हेलो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसमें हमें देखना है हाइड्रेशन रिएक्शन किस प्रकार होती है। हाइड्रेशन यानि अपना जो लॉजिक होता है वो सिंपल है, बहुत ज़्यादा वो है एडिशन ऑफ वाटर। रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। तो बच्चों, हमें वाटर का एडिशन करना है तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, वाटर एडिशन कौन करवाता है? डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 कराता है, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, तो मार्कोनिकोव जी क्या कहते हैं कि जैसे हमें वाटर जोड़ना है तो वाटर का फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहले H और OH। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर पे पार्शियल पॉजिटिव और OH पे पार्शियल नेगेटिव। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे सामने क्या है? प्रोपीन। प्रोपीन में अगर आपने क्या डाल दिया? डाइल्यूट H2SO4, तो ये आपको क्या प्रोवाइड कराएगा भाई? H प्लस और OH माइनस। तो OH माइनस पार्शियल चार्ज दे दो भले आप इसमें, तो रिएक्शन हमेशा कहाँ पर होगी? एल्कीन पर। तो मार्कोनिकोव ने ये बोला, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। तो आप इसको सीधा सा कहाँ भेज सकते हो? यहाँ पे। और OH को कहाँ भेज सकते हो? यहाँ पे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों CH3CH OH और CH2H, यानी कि सिंपल सा आपका प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम हुआ आपका प्रोपेन टू ऑल। क्लियर? अब ये हुआ कैसे, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है ये, और बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो अपन इसके मैकेनिज्म की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अपन। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, डाइल्यूट H2SO4 क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, OH को इधर भेज देंगे, H को इधर भेज देंगे। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों CH3CH2CH OH और CH3, यानी कि कौन सा ये बन गया? ब्यूटेन टू ऑल। क्लियर? इसका मैकेनिज्म देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं अब। मैकेनिज्म का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने H2SO4 लिया है, तो H2SO4 एक एसिड है, वो किस में ब्रेक होगा बच्चों? H प्लस प्लस HSO4 माइनस। क्लियर? अब आपके पास रिएक्शन करने के लिए कौन तैयार है? स्टेप वन मान लीजिए आप इसको। रिएक्शन करने के लिए तैयार है हमारे पास एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। कौन आ गया इससे रिएक्शन करने के लिए? H प्लस। ओके, H प्लस आ गया, तो सबसे पहले ये यहाँ रिएक्शन होगी, तो दो इंटरमीडिएट बनने की संभावना है। एक तो ये बना प्लस, दूसरा ये बना। एक बना आपका 2 डिग्री कैटायन, एक बना 1 डिग्री कैटायन, विच इज मोर स्टेबल? हम जानते हैं कि 2 डिग्री कैटायन इज मोर स्टेबल देन
वन डिग्री, तो इसमें पॉसिबिलिटी कौन सी होगी आपकी, टू डिग्री की। इस प्रोसेस में ये स्टेबल स्पीशीज एच प्लस से रिएक्शन करके एक कार्बोकेटाइन बनाती है, इसीलिए ये प्रोसेस होगा स्लो, और स्लो होगा तो ये इस रिएक्शन का होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि RDS। ओके, अब आगे देखते हैं अगले स्टेप में क्या होता है। अगला स्टेप बड़े ही सिंपल है, स्टेप टू। स्टेप टू में क्या होता है बच्चों, ये जो कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पे आपने डाइल्यूट लिया है, तो डाइल्यूट का मतलब पानी मौजूद होगा, और पानी मौजूद होगा तो पानी के लोन पर इस पर अटैक करेंगे, क्या बनेगा CH3CH प्लस चार्ज, और क्या बन गया आपके पास CH3। ओके, अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक प्लस चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता है, तो यहाँ कुछ ना कुछ हरकत होगी, और हरकत क्या होगी, जो स्टार्टिंग में अपना HSO4- बना है वो कहेगा सर हमारा H प्लस आप वापस दो, बिल्कुल दे देते हैं, तो वापस क्या बना देगा बच्चों H2SO4 प्लस आपका क्या बन गया CH3CH OH और CH3। क्लियर, तो ये हमारा रिएक्शन यहाँ पे जाके कंप्लीट होती है, वापस बन गया आपका प्रोपेन 2 ऑल H2SO4 आपको वापस मिल गया, जो रिएक्शन के स्टार्टिंग में लिया था वो रिएक्शन के एंड में वापस मिल जाना चाहिए। क्लियर, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।